हेलो गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आई एम योर इंग्लिश टीचर स्मिता राठौड़ एंड आई वेलकम यू ऑल इन बेटा इंग्लिश कंपल्सरी क्लास। यस्टरडे आई हैड गिवन यू क्वेश्चन टेक्सचुअल क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 5। ठीक है, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिए होंगे। टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, दैट इज़ द ब्राउनिंग वर्जन। ठीक है, आज हम चैप्टर नंबर 6 जो है वो स्टार्ट करेंगे, ब्राउनिंग वर्जन। ठीक है, ब्राउनिंग वर्जन जो है एक एक्सपर्ट एक सीन लिया, एक जो है ब्राउनिंग वर्जन नाम से एक बेटा बुक है, उसी में से एक हिस्सा लिया गया है। इसमें एक फ्रैंक जो साइंस के टीचर होते हैं और एक टैपलो स्टूडेंट होता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में ये पूरा एक जो है डायलॉग्स चल रहे हैं। ठीक है, उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चलती है। टैपलो स्टूडेंट है, फ्रैंक जो है साइंस के टीचर, इन दोनों के बीच में जो है कन्वर्सेशन चलती है। स्कूल का सीन बताया गया है, क्योंकि बेटा जैसे कि प्ले होते हैं, ठीक है, ड्रामा होता है, उसमें हमेशा सीन बताया जाता है, तो इसमें स्कूल का सीन है। टैपलो जो स्टूडेंट है वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस नाम के एक टीचर होते हैं, उनका ही कोई पनिशमेंट दी हुई होती है, उसके लिए वो स्कूल आता है। ठीक है, तो मिस्टर क्रॉकर हैरिस तो मिलते ही नहीं है, और उनकी जगह फ्रैंक नाम के जो एक टीचर है वो मिलते हैं। तो उनकी और उनकी जो है टैपलो की और फ्रैंक की जो है आपस में कन्वर्सेशन जो चलता है उसी के ऊपर ये पूरे बेस्ड है। ठीक है बेटा, तो आप जो है मैं इसमें डायलॉग्स हैं, ठीक है, और मैं पढ़ूंगी एक एक का, और आप लोग जो है मेरे साथ साथ में मुझे फॉलो करते चलिए। ठीक है, और कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ बेटा। This is an excerpt from the Browning version. The scene is set in a school. Frank is a young and Crocker Harris middle-aged. Frank जो है वो young teacher हैं, Crocker Harris जो है वो middle-aged. Middle-aged means मतलब 40-45 अधेड़ उम्र जिसे बोलते हैं। ठीक है, Both are masters. दोनों ही masters हैं। Taplow is a boy of 16. Taplow जो है 16 साल का बच्चा है। Who has come to do extra work for Crocker Harris? जो क्रॉकर हैरिस ने उसे कुछ एक्स्ट्रा मीन्स टाइप ऑफ पनिशमेंट, ठीक है, उसके लिए वो जो है स्कूल आया है। बट द लेटर हैज़ नॉट येट अराइव्ड, लेकिन क्रॉकर हैरिस तो उसे मिलते नहीं है। एंड फ्रैंक फाइंड्स टैपलो वेटिंग, और फ्रैंक जो टीचर है वो देखते हैं कि टैपलो जो है इंतज़ार कर रहा है। अब दोनों के बीच में कन्वर्सेशन शुरू होता है। फ्रैंक, डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? टैपलो, नो सर, नहीं सर। फ्रैंक, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? टैपलो जवाब देता है, टैपलो। फ्रैंक, टैपलो, नो आई डोंट, यू आर नॉट अ साइंटिस्ट आई गैदर। तो बोलते कि टैपलो, अच्छा तुम्हारा नाम टैपलो है, मैं नहीं जानता, मैं समझता हूँ कि तुम एक साइंस के टीचर हो। वैसे उस जो है फ्रैंक जो टीचर है वो बोलते हैं कि मेरे ख्याल से तुम साइंस के स्टूडेंट हो। टैपलो, नो सर, आई एम स्टिल इन द लोअर फिफ्थ। बोलते कि नहीं सर, अभी तो मैं लोअर फिफ्थ क्लास में ही हूँ। I can't specialize until next term. अगले टर्म तक मुझे स्पेशलाइजेशन नहीं मिलेगा। That's to say, जैसा कि कहा जाए, if I've got my remove, all right. Remove का मतलब यहाँ पर बेटा रिजल्ट है, ठीक है, अगर मेरा रिजल्ट ठीक ठाक आ गया, ठीक है, तो जब तक मैं साइंस नहीं ले सकता हूँ। फ्रैंक, डोंट यू नो इफ यू हैव गॉट योर रिमूव। अब जो है फ्रैंक उन्हें कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा रिजल्ट क्या आया है क्या नहीं आया। टैपलो, नो सर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस डज नॉट टेल अस द रिजल्ट लाइक द अदर मास्टर। तो बोलते हैं कि नहीं सर, जो है बाकी टीचर्स की जैसे जो क्रॉकर हैरिस है वो हमें रिजल्ट पहले नहीं बताते हैं। ठीक है, फ्रैंक, वाई नॉट, क्यों नहीं? टैपलो, वेल यू नो वट ही इज लाइक सर। टैपलो बोलते हैं कि सर आपको पता है वो कैसे हैं। फ्रैंक, आई बिलीव देर इज अ रूल डेट फ्रॉम फॉर्म रिजल्ट शुड ओनली बी अनाउंस बाय द हेडमास्टर ऑन द लास्ट डे ऑफ टर्म। तो फ्रैंक कहते हैं कि मेरा ये मानना है कि ऐसा नियम होना चाहिए कि पूरे साल के एंड में ही जो हेडमास्टर जो प्रिंसिपल होता है वही जो है रिजल्ट बताए। टैपलो, यस बट हु एल्स पेज अटेंशन टू इट एक्सेप्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस। तो टैपलो कहते हैं कि हाँ सर, नियम तो यही होना चाहिए, लेकिन इस नियम पर ध्यान कौन देता है सिवाय मिस्टर क्रॉकर हैरिस के। तो फ्रैंक बोलते हैं, I don't admit, but that's no criticism. So you have got to wait until tomorrow to know your fate. Have you? अब वो बोलता है कि मैं नहीं मानता, ठीक है, मैं accept नहीं करता, ठीक है, और मेरा ये criticism का मतलब होता है बेटा सिद्धांत, ठीक है, principle, मेरा ये सिद्धांत नहीं है,
तो इसका मतलब तुम्हें अपने फेट, अपने भाग्य का कल तक इंतजार करना पड़ेगा, मतलब रिजल्ट का तुम्हें कल तक इंतजार करना पड़ेगा। टैपलो, यस सर, कि हाँ सर। फ्रैंक, सपोजिंग द आंसर इज़ फेवरेबल, व्हाट देन? कि मान लो कि तुम्हारा रिजल्ट जो है वो फेवरेबल निकला, मतलब कि तुम्हारे अकॉर्डिंग निकला, तो फिर तुम क्या करोगे? टैपलो, ओ साइंस सर, ऑफ कोर्स। तो बोलता है कि अरे सर, मैं साइंस लूँगा। फ्रैंक सैडली थोड़े दुखी हो गए, यस वी गेट ऑल द स्लैकर्स। अब बोल रहा है कि बड़े दुख के साथ बोलता है कि तुम साइंस लोगे, मतलब हमें सारे स्लैकर्स मिलेंगे। स्लैकर्स का मतलब होता है वो लोग जो कि काम पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसका मतलब, क्योंकि साइंस का ही टीचर होता है फ्रैंक, तो बोलता है कि इसका मतलब हमें साइंस के अंदर ऐसे ही लोग मिलेंगे जो लापरवाह होते हैं। टैपलो प्रोटेस्टिंगली, थोड़ा सा प्रोटेस्ट करते हुए, विरोध करते हुए, आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर। टैपलो बोलता है कि सर, मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ साइंस के अंदर। फ्रैंक, आर यू? तुम हो? आई एम नॉट, मैं तो नहीं हूँ, नॉट एट लीस्ट इन द साइंस आई हैव टू टीच। बोले कि नहीं, मुझे तो इंटरेस्ट नहीं है, कम से कम उस साइंस में तो बिल्कुल भी नहीं है कि जिसे मुझे पढ़ाना पड़ता है, जो मैं पढ़ाता हूँ उस साइंस में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। टैपलो, वेल एनीवे सर, इट्स अ गुड डील, मोर एक्साइटिंग देन दिस मक, इंडिकेटिंग बुक। अब टैपलो के पास में एक बुक होती है, ठीक है, तो उस बुक की तरफ इशारा करके टैपलो बोलता है कि सर, कम से कम साइंस अच्छी होती है, इस बुक की जैसी मक तो नहीं होती। मक का मतलब होता है बहुत बेकार, ठीक है। वट इज दिस मक? अब फ्रैंक बोलता है कि ये बेकार बुक क्या है? टैपलो, अतिस्थलियस सर, द एगेमन। अब जो है टैपलो बोलता है कि सर, एशिलियस है ये अगेमन बुक, अगेमन बुक होती है उसका नाम होता है, अगेमन बुक का नाम। फ्रैंक, एंड योर कंसिडर्ड व्यू इज डैट द अगेमन इज मक, और तुम ये मानते हो कि ये बुक एक मक है, ये बेकार है, कूड़ा करकट है। टैपलो, वेल नो सर, आई डोंट थिंक द प्ले इज मक एग्जैक्टली, आई सपोज इन अ वे इट इज रैदर अ गुड प्लॉट, रियली अ वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड एंड ऑल दैट, आई ओनली मेंट द वे इट टॉट टू अस। अब टैपलो बोलता है कि नहीं सर, मैं नहीं मानता कि ये बुक जो है वो कूड़ा करकट है, लेकिन जिस तरीके से, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है ये कि एक वाइफ जो है अपने हस्बैंड का मर्डर करती है, लेकिन जिस तरीके से हमें ये बुक पढ़ाई गई है उस हिसाब से तो ये बेकार ही है। जस्ट अ लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स स्ट्रंग टूगेदर एंड फिल द लाइन्स इफ़ यू गेट देम रॉन्ग। बोले जिस तरीके से हमें जो है ये पढ़ाई गई है, सारी वर्ड्स आपस में जो है वो ग्रीक वर्ड्स स्ट्रंग टूगेदर, मतलब आपस में जो है गुंथे हुए हैं, ठीक है, और अगर आप उन्हें पढ़ते हो तो आपको गलत भी, आप कहीं ना कहीं गलत भी चले जाते हो। जिस तरीके से हमें पढ़ाई गई है बेकार है किताब। फ्रैंक, यू साउंड अ लिटिल बिटर। टैपलो बोले कि टैपलो तुम बड़ी कड़वाहट के साथ, बिटर का मतलब होता है कड़वाहट, कि टैपलो तुम बहुत कड़वाहट के साथ बोलते हो। टैपलो, आई एम रेदर सर, कि नहीं सर, मैं कड़वाहट नहीं बोलता हूँ। फ्रैंक, कैप्टन, आप बोलते हैं कि तुम्हें, कैप्टन का मतलब बेटा होता है रोकना, ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब है रोकना, वैसे कैप्टन का मतलब होता है ना रखना, यहाँ रोकना है, ठीक है, कि तुम्हें ये किसी ने रोक के रखा है यहाँ पर। टैपलो, नो सर, एक्स्ट्रा वर्क। बोले कि नहीं सर, मुझे एक्स्ट्रा वर्क मिला है। फ्रैंक, एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल? कि तुम्हें एक्स्ट्रा वर्क मिला है, वो भी जो है साल के लास्ट डे में, स्कूल का जो लास्ट डे है उस दिन तुम्हें एक्स्ट्रा वर्क मिला है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा, हमने पेज नंबर ये कंप्लीट कर लिया है 51, ठीक है, एंड टुमारो आई विल स्टार्ट पेज नंबर 52, ठीक है। प्लीज़ रीड दिस चैप्टर केयरफुली, एंड इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी रिगार्डिंग दिस चैप्टर और प्रीवियस चैप्टर, यू कैन कॉल मी, ठीक है, और यू कैन क्वेश्चन मी ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।